हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वच्छ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। मैं तो अब दीदी के घर में हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हम जो छोटा बच्चा हुआ था ना, उसकी एक ही दिन की जो होती है सत्यनारायण पूजा, और उसके बाद जो फंक्शन हुआ था उसी के लिए वीडियो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर हो रही है सत्यनारायण जी की पूजा हमारे यहाँ पर जिस तरह होती है। मैं थोड़ा सा वीडियो बना ले रहा था, इसको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर सत्यनारायण पूजा के पास बच्चे को मामा जी लेकर बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हो रही है पूजा। पूजा में ज़्यादा लोग इन्वाइट नहीं किए थे, थोड़ा बहुत जो अपने होते हैं उनको लेकर पूजा हमने किया था। यहाँ पर देखिए, छोटा सा क्यूट सा प्रिंस हमारा मामा जी के पास बैठा है पूजा के पास। उसके बाद फंक्शन भी स्टार्ट हो गई थी। हम ये है मेरी दीदी की बड़ी बेटी और उसकी बेटी है। मैं आपके साथ, ये है बच्चे की माँ जो बच्चे को छोड़कर यहाँ पर फंक्शन में घूम रहा है। बिल्कुल फंक्शन की पार्टी की मजा ले रहा था उसकी माँ। यहाँ पर वो सूप पीने के लिए चली आई थी। मैं उसको बोल रही थी, ये बच्चे की माँ है, यहाँ पर बच्चे को छोड़कर पी रहा है सूप। यही दीदी, मेरी दीदी की भांजी जमाई, यहाँ पर उसकी बड़ी बहू और जेठानी। आपको मैं इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपको शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि मेरी दीदी की जुड़वा बेटी है। जुड़वा बेटी में जो बड़े बेटी की एक बेटी है और छोटी की बेटा है। यहाँ पर क्या हुआ था कि बड़ी बेटी की जो बेटी है छोटी बेटी के पास चली गई थी, यानी मौसी जी के पास चली गई थी। जाने के बाद वो अपनी माँ को बिल्कुल नहीं पहचानती। यहाँ पर देखिए, मेरे दीदी की बड़ी वाली जमाई और ये है छोटी वाली बेटी, उसके पास है मेरी बड़ी वाली दीदी की बड़ी बेटी की बेटी। वो अब इसी वक्त इसी टाइम उनकी मौसी के पास था, अपनी माँ बुला रही थी, उसके पास बिल्कुल नहीं जा रहा था क्योंकि वो पहचान नहीं पाए थी ये मेरी माँ है कि मौसी है। ये है मेरी दीदी की छोटी वाली जमाई और ये है मेरी बेटी की ससुराल वाले। जितना हो सके कम लोग आए थे, ज़्यादा लोग हम नहीं किए थे क्योंकि आपकी सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, इसी वजह से। ये है मेरी बेटी की आईसस। और देखिए, ये है फिर से आ गई हमारी प्रिंस। ये शायद मेरी बेटी के ननद हो गए अपने ससुराल वालों की तरफ से। सब बच्चे को लेकर बिल्कुल खुश थे। यहाँ पर मेरी हस्बैंड, मेरी बेटा और मेरी हमारी छोटी बहन जो जमाई भैया सब खड़े हैं। देखिए, मौसा और मामा के साथ कुछ बात कर रहा था मेरे छोटे भैया। बिल्कुल दोनों जुड़वा है, इसी वजह से हम छोटे जब छोटे थे वो दोनों थोड़ी सी सब लोग पहचान में गलती करते थे, लेकिन बिल्कुल हम नहीं करते थे कि हमारे बच्चे को हम अच्छी तरह पहचान पाते थे। यहाँ पर छोटे भैया और छोटे भाभी मेरे हस्बैंड के पास बैठ कर कुछ बात कर रहे हैं। यही मेरी दीदी की देवरानी और ये मेरी दीदी की पोती। एक पोती और एक पोता होने के वजह से मेरी दीदी की फैमिली बिल्कुल हैप्पी फैमिली बन चुके। अब सब लोग आशीर्वाद कर लीजिए, आपके आशीर्वाद वजह से दोनों बच्चे बिल्कुल आगे जा पाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।